हम जो कैरेक्टर एक्टर होते हैं ना, हम फिल्म चूज नहीं करते हैं, फिल्म हमें चूज करती है। मतलब मेरे दिमाग से एक फिल्म डिलीट हो रही है, उसका मुझे बड़ा दुख होता है। आपको मैं एक राज की बात बता दूं, बताना नहीं चाहिए। आपने माचिस से बॉलीवुड में, माचिस गलत इंफॉर्मेशन है, वो मेरी पहली फिल्म है। आजकल क्या हो रहा है कि सिचुएशन क्रिएट की जा रही है हंसाने के लिए। हंसाने के लिए सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। किसी की अच्छी बोलूंगा तो दूसरा बुरा बन जाएगा, और उसको अगर बुरा बोला तो ये उसको खुशी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड जैसी जगह में फिल्म सिटी बननी चाहिए? आगे होनी चाहिए भाई। मेरा राशन महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, इसके लिए होना चाहिए। उसके लिए मांग करना गलत बात है। वहाँ पैसा कम है, यहाँ पैसा ज्यादा है। हम सीधा कंसंट्रेट करते हैं छिलके पे और पाँव पे, और आदमी गिरा बच्चे के द्रास दिए। अब हमारे यहाँ कपिल शर्मा शो में भी लोग हंसते हैं, अगर कोई ऐसी फिल्म हो तो उसमें भी हंसते हैं, महसूस करके नहीं हंसते। क्या नेपोटिज्म की वजह से या किसी के रेफरेंस वाले जो बच्चे आते हैं इंडस्ट्री में उसमें, और जो एक कलाकार मंच के नीचे से आ रहा है और उसको उसमें अंतर है दोनों की एक्टिंग या स्किल में? नेपोटिज्म वहीं से शुरू हो गया ना, वही तो नेपोटिज्म है। हर मूवी में है जो साल में अच्छा परफॉर्म किए हैं। मैंने जिस फिल्म में काम किया वो हिट हो गई है। हाँ, मैंने हिट फिल्म में काम नहीं किया है जी। शाहरुख खान फिल्म चूज करता है, फिल्म शाहरुख खान को चूज नहीं करती। जिस फिल्म को शाहरुख चूज करता है वो फिल्म मुझे चूज करती है, मैं उस फिल्म को चूज नहीं करता हूँ। मैनेजर से हूँ नहीं, वो मैनेजर से नहीं। और जो मुझे सख्त नफरत है जब मुझे लोग कहते हैं कि मैं मैनेजर से हूँ। आगे किसी कॉमेडी फिल्म में काम करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और बाकी कुछ बनना आपकी फैमिली तय करती है ना? एक्टर बनना आप तय करते हो, आपकी फैमिली तय नहीं करती है। इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, बहुत काफी पर्सनल चीज है ये। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू उत्तराखंड। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है उत्तराखंड। इससे पहले शूटिंग में आए? बहुत बार। तो जैसे आप मुंबई में भी शूट करते हैं और उत्तराखंड में भी आपने शूट किया, अलग अलग सिटीज में शूट करने का या फिर इंडिया से बाहर भी मौका मिलता है, उत्तराखंड में कुछ स्पेशल लगा? स्पेशल है मतलब पहाड़ है, और मुझे तो पता नहीं, रात को सारे पहाड़ एक जैसे लगते हैं। अच्छा। हाँ, मैं दार्जिलिंग चला जाऊँ तो भी मुझे लगता है कि मैं शायद उत्तराखंड में बैठा हूँ, और जब मसूरी में रहता हूँ तो लगता है मैं दार्जिलिंग में बैठा हूँ। तो मतलब पहाड़ रात को एक जैसे होते। दार्जिलिंग वगैरह में चूंकि बंगाल में है तो बंगला भाषा भी चलती है, यहाँ सिर्फ हिंदी का मजा है। जहाँ भी चले जाओ आप हिंदी बोलो, सब हिंदी समझते हैं। आपने माचिस से बॉलीवुड में, माचिस गलत इंफॉर्मेशन है, वो मेरी पहली फिल्म है घोसला का घोसला। ये मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, रिलीज हुई थी मेरी बाद में, रिलीज मेरी पहले हुई नो वन किल जेसिका। तो आपने हर जॉनर, आपका पहले तो जॉनर की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग है, कहीं कभी आप कॉमेडी में रहते हैं, कभी आप विलेन के रोल में रहते हैं, तो कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस रोल, जब आप पुलिस इंस्पेक्टर के रोल, इस तरीके के कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, तो उन सभी कैरेक्टर्स में ढलने के लिए किस तरीके का, मतलब आपको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है या फिर आप ये नेचुरली हो जाता है? आप स्कूल में थी ना, अलग अलग सब्जेक्ट से, तो लोग आपसे कैसे नहीं पूछते ये इतने अलग अलग सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेती हो आप? आप स्कूल में मैथ्स भी कर रहे हो, ज्योग्राफी भी कर रहे हो, हिस्ट्री भी कर रहे हो, कैसे कर लेते हो आप? वैसे मैं कर लेता हूँ। आपकी कोई फिल्म ऐसी जिसके बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही हो आपकी, कोई ऐसी स्टोरी? नहीं, हर फिल्म में बुरी तो नहीं होती, बुरी अच्छी मिला के होती है। आप किसी की अच्छी बोलूंगा तो दूसरा बुरा बन जाएगा, और उसको अगर बुरा बोला तो ये उसको खुशी हो जाएगी। तो तकरीबन मिला जुला कर एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। हाँ, एक बात है, हर फिल्म की शूटिंग में आखिरी दिन, जब फिल्म का आखिरी दिन होता है तो थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। अच्छा। चाहे आपका एक्सपीरियंस जो भी रहा हो उस फिल्म के दौरान, लेकिन अब वो फिल्म निकल रही है आपके, मतलब आपके दिमाग से, मतलब मेरे दिमाग से एक फिल्म डिलीट हो रही है, उसका मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिल्म के आखिरी दिन भी वो फिल्म मेरे दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाती है। आपका जन्म पंजाब में हुआ जी, आपने अब इस टाइम बंगाली मूवीज भी आप करते हैं जी? मेरी पहली बंगाली जी। तो आप बंगाली मूवीज में करते हैं, तो बंगाली इंडस्ट्री की है और बॉलीवुड में डिफरेंस है? नहीं, कुछ खास डिफरेंस, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, पैसे का। अच्छा। वहाँ पैसा कम है, यहाँ पैसा ज्यादा है। अगर उनको उतना पैसा दे दिया जाए जितने पैसे की बंगला बॉम्बे में फिल्म बनती है, वैसे फिल्म मूवी भी बना लेंगे। अच्छा। उससे बेहतर बनाएंगे मुझे लगता है।
आप उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड की मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे गढ़वाली जो मूवीज वगैरह बनती रहती है, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी फिल्म सिटी बनाने की जो मांग यहाँ पे भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड जैसी जगह में फिल्म सिटी बननी चाहिए? हाँ बननी चाहिए, लेकिन फिल्म सिटी आदमी की रोजमर्रा की चीज़ नहीं है, इसके लिए मांगे मांगे नहीं होनी चाहिए। मांगे होनी चाहिए भाई मेरा राशन महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, इसके लिए होना चाहिए। फिल्म आदमी तो रोजमर्रा की जिंदगी नहीं है उसकी, आदमी फिल्म हफ्ते में एक दिन जाता है या महीने में एक दिन जाता है परिवार, इट्स नॉट रोजमर्रा की जिंदगी, तो इसके लिए मांग करना गलत बात है। अगर स्टेट के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो पैसा है और स्टेट को लग रहा है कि अगर यहाँ फिल्म सिटी बनाने से फायदा होगा, देखिए हमने एक चीज बना ली, बना के रख दी भाई हमने फिल्म सिटी, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, स्टेट को नुकसान हो रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं लगता है कि स्टेट को करनी चाहिए फिल्म से रिलेटेड जिससे स्टेट को नुकसान हो। स्टेट को हमेशा वो चीज करनी चाहिए पहल करनी चाहिए जिससे स्टेट को फायदा हो। आपने अलग अलग जॉनर में काम किया, तो उन जॉनर्स में जब आप काम करते हैं बहुत कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कॉमिक कैरेक्टर और जो रियल लाइफ जो राजेश शर्मा है उनमें अंतर है, या फिर आप रियल लाइफ में भी वैसे ही कॉमेडी और वो चीज़ें पसंद करते हैं? नहीं नहीं देखिए एक तो चीज़ होती है कॉमेडी को ना समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ मैं पर्टिकुलर अगर बोलूँ तो मैंने अभी तक कोई भी कॉमेडी फिल्म नहीं की। कॉमेडी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, अब हमारे यहाँ कपिल शर्मा शो में भी लोग हंसते हैं और अगर कोई ऐसी फिल्म हो तो उसमें भी हंसते हैं, तो हंसने की एक आदत सी पड़ गई है, महसूस करके नहीं हंसते हैं। तो उस तरह की फिल्में बहुत कम बनी हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि कॉमेडी फिल्म अगर कहा जाए तो दो तीन फिल्में मेरी जिंदगी से टकराई हैं। मैंने एक फिल्म का नाम था जाने भी दो यारो, दैट इज द कॉमेडी फिल्म। वो फिल्म जो आपको सोचने के लिए, कॉमेडी में भी सोचने के लिए मजबूर करती है, और वो महसूस जब आप हंसते हो तो आप महसूस करके हंसते हो। जाने भी दो यारों में जो कुछ कुछ सिक्वेंसेस हैं वो इतने कमाल के हैं। एक फिल्म थी चश्मे बद्दूर, कॉमेडी फिल्म, तो आप उसमें कॉमेडी को आप फील करते हो, आपको गुदगुदा कर हंसाना। मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया उसमें, और उसके लिए आजकल क्या हो रहा है कि सिचुएशन क्रिएट की जा रही है हंसाने के लिए। हंसाने के लिए सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि देखिए क्या है कि एक सड़क पे केले का छिलका पड़ा हुआ है और आप खड़े हो, आपको मालूम है कि कोई अगर इस छिलके पे पाँव रखेगा वो गिर फिसल के गिरेगा, और जब वो गिरता है तो हम हंसते हैं, है ना। कॉमेडी वहां नहीं है, कॉमेडी वो जब तक वो आदमी आ रहा है ना उस छिलके तक, कॉमेडी वहां पे है। कॉमेडी छिलके पे, तो छिलके पे पाँव अगर पड़ा तो फिसलेगा आदमी, लेकिन वहां तक आने तक की वो कॉमेडी है, उसको क्रिएट करना है। हम सीधा कंसंट्रेट करते हैं छिलके पे और पांव पे, और आदमी गिरा बच्चे के त्रास दिए, बच्चे हंसते हैं। देखोगे कब कोई बड़ा आदमी नहीं हंसता, बड़ा आदमी आके उठाता है उसको, अगर कोई गिर गया हो मन ही मन हंसता है, बच्चा ताली बजा के हंसते हैं, वो जो बड़ा उसको हिल कर वो मन ही मन हंसता है, बच्चा इंतजार नहीं करता है, बच्चे को मालूम ही नहीं है, लेकिन वो बड़ा आदमी इंतजार कर रहा है, वो इतना शातिर है जो बड़ा है, वो कोई आएगा जिसका पांव पड़ेगा गिरे, तो जब गिरा हुआ आदमी तो मनी मन उसको हेल्प करने के लिए भी गया, दैट इज अ कॉमेडी। आप आगे आपने बोला कि आपने कॉमेडी फिल्म नहीं की, लेकिन आपके कैरेक्टर बहुत मजेदार रहते हैं। हाँ वो अलग बात है, मजेदार होना अलग बात है, कॉमेडी अलग बात है। आगे किसी कॉमेडी फिल्म में काम करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे कुछ भी हो। तो जिस तरीके आपने फिल्म का भी वाइल्ड वाइल्ड आपका पंजाब मूवी आई थी लास्ट, तो उस मूवी में आपने जो कैरेक्टर किया है, तो ऐसे ही जब ऑन स्क्रीन कैरेक्टर सभी ने देखे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब हम शूट करते हैं तो शूट करते टाइम बहुत सारी अच्छी बुरी यादें होती हैं, कोई ऐसा फनी मोमेंट थे शूट करते टाइम, जबकि वो पूरी मूवी फनी फनी सी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे इतना याद है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब का कि हम एक पुलिस स्टेशन का कुछ सेट था, मैंने रियल लोकेशन थी, वो बहुत बारिश हो रही थी, ठंड बहुत थी और पूरा कीचड़ हो गया था, और एक ही छाते के नीचे हम तकरीबन आठ आठ दस दस लोग खड़े थे,
यहाँ एक छाते के नीचे 8 आदमी, वहाँ एक छाते के नीचे 8 आदमी, वहाँ 6 आदमी, उस पर जो चाय आ रही है, चाय पी जा रही है, तो वो एक मिला जुला सा एक मेरे मुझे एक एक्सपीरियंस है। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल नेपोटिज्म नेपोटिज्म एक बहुत बार यही एक शब्द सुनने को मिलता है। आपने सभी के साथ काम किया, एक नए एक्टर के साथ भी काम किया, आपने पुराने एक्टर के साथ भी काम किया, तो डिफरेंस आपको लगता है कि क्या नेपोटिज्म की वजह से या किसी के रेफरेंस वाले जो बच्चे आते हैं इंडस्ट्री में उसमें, और जो एक कलाकार मंच के नीचे से आ रहा है और उसको उसमें अंतर है दोनों की एक्टिंग या स्किल में? आपका कोई भाई है? हाँ। छोटा या बड़ा है? छोटा है। आपकी माँ ने देखा है अपने बचपन में, शायद देखा होगा पता नहीं, या माँ से पूछेगा, आपको दूध कम देती थी भाई को दूध ज्यादा देती थी, या दूध आपको देती नहीं थी भाई को दूध देती थी? तो नेपोटिज्म तो वहीं से शुरू हो गया। तो बात बाकी क्या नेपोटिज्म की बात कीजिएगा, पर कला में अंतर है? नहीं, वही कला हो गया ना भाई, माँ ने तो सिखा दिया ना नेपोटिज्म, बेटे को दूध, बच्ची को दूध, बेटी को, बेटी है तो पराई है, तो पढ़ाई हो जाएगी, बेटा है तो बेटे को दो, तो नेपोटिज्म वहीं से शुरू हो गया ना, वही तो नेपोटिज्म है। तो नेपोटिज्म बुरी चीज नहीं है, इसको बेकार में लोगों ने हवा बना के रखा है, बहुत अच्छी चीज है, इसको, इसको, इसका यूटिलाइजेशन जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए लग रहा है खराब। माँ अगर बच्चे को दूध देगी तो खराब तो दिखने में लग नहीं रहा भाई, अपने बेटे को दूध दे रही है, बेटा जवान बढ़ेगा, बड़ा खेलेगा कूदेगा, इसलिए दूध दे रही है ताकि मजबूत बने, तो अच्छी बात है, तो कोई शिकायत नहीं होती है ना। हाँ, वही सौतेली माँ दूध कम दे देगी तो वो बुरा लग जाता है। बात वही है कि आप यूटिलाइजेशन की बात होती है, आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। नेपोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और उसके अलावा जब आप सिलेक्शन करते हैं फिल्मों का, आपने जो अभी तक फिल्में की, अगर मैं आपके 2011 से करियर का देखूं तो आज तक ऐसी शायद कोई साल में ऐसी मूवी नहीं होगी जो आपकी मूवी हिट मूवी में आपने काम ना किया हो, हर मूवी में आप हैं जो साल में अच्छा परफॉर्म की है। देखिए बात ना, आपने जो कही उसको जैसे कही तो ज्यादा अच्छा होगा, मैंने जिस फिल्म में काम किया वो हिट हो गई है। हाँ, जी। मैंने हिट फिल्म में काम नहीं किया है जी, आपने, आप लोगों ने काम किया तभी तो वो हिट हुई है। नहीं नहीं, मैंने जो हिट हो गई है। हाँ हाँ, तो हिट फिल्म में मैंने, मेरी वजह से हिट नहीं है, हिट फिल्म में मैंने काम कर लिया था वो फिट हो गई जी। तो उन सभी फिल्मों का जो अलग अलग रोल आपके हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट है, उनको उनका परफॉर्मेंस डिफरेंस है, तो आपने जब वो सेलेक्ट किया था, जब आप स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं तो किस तरीके से आप चूज करते हैं कि ये फिल्म आगे जाके मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, फिल्म अच्छा करेगी? आपको मैं एक राज की बात बता दूं, बताना नहीं चाहिए, हम जो कैरेक्टर एक्टर होते हैं ना, हम फिल्म चूज नहीं करते, फिल्म हमें चूज करती है। जो कोई एक्टर बोलता है मैं वो फिल्म छोड़ दी, वो बकवास है, सब बकवास है, फिल्म आपको चूज करती है। आपके लायक एक रोल निकलता है, डायरेक्टर को लगता है ये रोल राजेश शर्मा को करना चाहिए, संजय मिश्रा को करना चाहिए, पंकज त्रिपाठी को करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो फिल्म चूज नहीं करते हैं, संजय मिश्रा फिल्म चूज नहीं करता है, फिल्म संजय मिश्रा को चूज करती है जी। हाँ, अमिताभ बच्चन फिल्म चूज करता है, शाहरुख खान फिल्म चूज करता है, फिल्म शाहरुख खान को चूज नहीं करती, शाहरुख खान फिल्म चूज करता है, और उस फिल्म को, जिस फिल्म को शाहरुख खान चूज करती है, चूज करता है, वो फिल्म मुझे चूज करती है, मैं उस फिल्म को चूज नहीं करता हूँ। बस हो गया, काफी सवाल हो गया, थैंक यू। या हो गया एक सवाल, अच्छा एक सवाल एनएसडी के बारे में, थोड़ा मैं सुनी पर आप किस में तो आता है? नहीं, वो मैं एनएसडी से नहीं, और जो मुझे सख्त नफरत है जब मुझे लोग कहते हैं कि मैं एनएसडी से हूँ, पर आपके बारे में हम लोग और कहीं से पता नहीं कर सकते। एनएसडी के बाहर भी एक्टर हैं मैडम। अच्छा। हाँ, एक्टर बाहर बहुत है एनएसडी से, एनएसडी का भी आदमी एक्टर हुआ, ये पता नहीं, एक हमारे यहाँ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा एक्टर तो एनएसडी का, अरे यार कमाल है, एनएसडी के बाद अच्छा एक्टर, तो फिर और क्या एनएसडी का था, थोड़ा सा मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बस जर्नी वही है, जहाँ जैसे आपकी है वैसी मेरी है, बस थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूँ इसलिए रास्ता ज्यादा तय कर गया, आप अभी उस रास्ते पर चल रहे हो, यही जर्नी, आप हम दोनों एक ही रास्ते पे हैं। लेकिन आपने जब शुरू किया, आपने बोला जैसे आपने एनएसडी से नहीं है, तो आपने कब सोचा कि एक्टर बनना है, और वो रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल रहा? देखिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और बाकी कुछ बनना आपकी फैमिली तय करती है ना, एक्टर बनना आप तय करते हो, आपकी फैमिली तय नहीं करती है।
कोई भी फैमिली नहीं बोलेगी कि आप एक्टर बनो, तो एक्टर बनना बहुत खुद का एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है। इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, बहुत काफी पर्सनल चीज है ये। अच्छा। कि मैं क्यों एक्टर बना, कैसे कब चूज किया, दिस इज वेरी पर्सनल थिंग ऑफ माय लाइफ। तो उसको लेकर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता था एंड ग्रेस ऑफ द गॉड मैं एक्टर बन गया, बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।